हेलो लेवंतीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम अपने डोमेन और रेंज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेटा अगर आपको डोमेन रेंज बहुत बढ़िया सीखना है तो आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी, वो है पेशेंस रखना होगा। मैं थोड़ा सा सीरीज को लंबा रखूंगा, वीडियोज को थोड़ा सा लेंदी रखूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा कराऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको पेशेंस रखना होगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, तो पॉज करके ट्राई करना ताकि आपको पता लगे आपको आ रहा है या आपको नहीं आ पा रहा। एनीवेज, अब क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। आज क्वेश्चन सिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाना है। एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या नाम है? वेवी कर्व मेथड। हमारे को यह समझना जरूरी है क्योंकि यही मेथड हमारा चैप्टर फाइव ओल्ड बुक्स में चैप्टर सिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत यूज आएगा। तो वेवी कर्व मेथड क्या है इसको समझने से पहले ये समझिए वेवी कर्व लगाना कब है। जब भी आपके लीनियर फैक्टर्स हैं और एक से ज्यादा फैक्टर्स हो, पहले तो एक लीनियर मतलब जिसके पावर वन हो। देखो जिसका एक्स की पावर वन, जब भी एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर हो और ग्रेटर देन लेस देन सिंबल हो, कोई भी हो, तो वहां वेवी कर्व यूज होगा। चाहे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हो, चाहे फैक्टर्स डिवाइड में हो, जस्ट लाइक दिस वन, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी ग्रेटर देन लेस देन, कुछ भी हो, इस तरह भी हो सकता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी, तो वहां हमारा लगता है वेवी कर्व। अब वेवी कर्व क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल फिर एक्सप्लेन करते हैं और कैसे करना होता है। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम छोटा सा। लेट सपोज मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। तो वेवी कर्व में करना क्या होता है, हमारे को इन दोनों फैक्टर्स से क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब स्टेप वन लिख देते हैं। स्टेप वन क्या होता है, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक बार x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस टू, एक बार x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी थ्री। ये पहला स्टेप होगा। स्टेप नंबर टू, नंबर लाइन हम बनाएंगे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब पॉइंट्स प्लॉट करिए माइनस टू थ्री। याद करो इक्वल्स टू का साइन है तो ये सर्कल क्या होते थे, शेड। अगर इक्वल्स टू का साइन ना होता तो सर्कल भी एम्प्टी रहते। So, वापसी आते हैं, पहला स्टेप क्लियर हो गया क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड स्टेप नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्लस, फिर अगले में लिखेंगे माइनस, फिर प्लस, आई रिपीट प्लस माइनस प्लस, हमेशा ऑर्डर यही रहेगा। लास्ट स्टेप स्टेप थ्री, अगर मेरा लेस देन का साइन है, लेस देन यानी ये वाला साइन है, चाहे लेस देन है चाहे लेस देन इक्वल्स टू है, तो मैं माइनस वाला इंटरवल पिक करूंगा। ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो प्लस वाला इंटरवल पिक करेंगे। फिलहाल जिस तरह इस क्वेश्चन में लेस देन का सिंबल था तो मैं माइनस वाला इंटरवल पिक करूंगा, यानी माइनस टू टू थ्री। ये है वेवी कर्व। थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन होगा जब हम और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन निकालना है। एफ एक्स है रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी कोई रूट वाला फंक्शन होता है तो मेरे को पता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा एक बात बताओ, क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ सर, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। बनाओ क्या बनेगा, ये बन गया 2 माइनस एक्स और ये बन गया 2 प्लस एक्स।
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट, एक बात बताओ, एक फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर? सर एक से ज्यादा फैक्टर है। लीनियर है, सेकंड पॉइंट लीनियर है, हाँ लीनियर है। थर्ड, ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है, हाँ जी है। तो क्या यूज होगा? वेवी कर्व। बस एक बात का ध्यान रखना, एक छोटा सा नोट नोट एक बात का बस ध्यान रखना आपको कि कोफिशियंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, कि एक्स का साइन हमेशा पॉजिटिव को होना चाहिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। अब जिस तरह यहां देखो, यहां 2 प्लस एक्स, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये चलेगा? नहीं। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि x का साइन नेगेटिव है। तो अब हमने क्या करना है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लो, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा x पॉजिटिव हो जाएगा और 2 नेगेटिव, राइट। अब इस माइनस को यहां शिफ्ट कर दो, और हमने पढ़ा है माइनस को जैसे हम शिफ्ट करते हैं ये साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। बेबी कब यूज होगा? बिल्कुल देख लो, पावर वन है, लीनियर है, हाँ जी, एक से ज्यादा फैक्टर है, दो फैक्टर्स हैं, एक से ज्यादा है तो यूज होगा। और तीसरा, ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल हो है। चलो अब कैसे थे, वापसी आते हैं। पहले x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो टू। अब टू प्लस एक्स को जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो माइनस टू। स्टेप वन, ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस टू टू, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सर्कल करो, इक्वल टू का साइन है तो सर्कल शेड। राइट से स्टार्ट करेंगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बन गया। अब लास्ट में साइन कौन सा है बेटा, जल्दी से देखो साइन कौन सा था सबसे लास्ट में? सर लेस देन का था, लेस देन था ना, लेस देन में कौन सा इंटरवल पिक करना है, लेस देन में कौन सा पिक करना है, माइनस का। तो क्या इंटरवल लेंगे हम, मेरा आंसर क्या हो गया, आइए देखते हैं, मेरा आंसर क्या हो गया, माइनस वाला इंटरवल, यानी डोमेन हो गई मेरी माइनस टू से टू। बोलो स्टेप याद हो चुके होंगे, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एक बार इससे अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फैक्टर्स कर दो, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन एक्स माइनस 3, 3 प्लस एक्स, माइनस यहां शिफ्ट कर दो एक्स माइनस 3, 3 प्लस एक्स, साइन चेंज। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एक्स माइनस 3 जीरो, 3 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू माइनस 3, नंबर लाइन बनाओ बेटा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, माइनस 3 3, 3 पे सर्कल शेड क्यों होगा, इक्वल टू का साइन है, सर्कल शेड। राइट से शुरू, प्लस माइनस प्लस, लास्ट में साइन कौन सा था मेरा, लेस देन का। तो क्या हो जाएगा डोमेन, माइनस 3 से 3, ये मेरी हो गई डोमेन। अब आते हैं एक और पार्ट पे, एफ एक्स से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस बार रूट डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, याद आया। क्या वेवी कब यूज होगा, हाँ सर होगा, फैक्टर्स हो सकते हैं, हाँ जी, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, निकालो क्रिटिकल पॉइंट, x माइनस 1 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू माइनस 1, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस 1 1, अब सर्कल शेड होगा, समझने वाली बात है, सर्कल शेड होगा। सर्कल शेड होने का मतलब इंक्लूसिव, कि भाई मैं वन को ले सकता हूं, जब मेरा है ही ग्रेटर देन वन, जब इक्वल्स टू है ही नहीं, तो
तो सर्कल शेड होगा, नहीं होगा, राइट से शुरू प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब इंटरवल कौन सा आएगा, सवाल ये आता है बेटे। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन के साइन में कौन सा इंटरवल लेते हैं हम, ग्रेटर देन के साइन में हम लेते हैं प्लस वाला, यानी मेरा इंटरवल क्या बना, डोमेन क्या बनी मेरी, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, कैसा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, यूनियन वन से इंफिनिटी, दो इंटरवल है देखो प्लस के, एक प्लस का ये रहा, एक प्लस का ये रहा, तो क्या कर देंगे हम, यूनियन लगा देंगे बीच में। एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए राइट नाउ। अब जरा मैं डिस्कस कर लेता हूं, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है। सुनो मैं फैक्टर्स करूंगा फिर माइनस लूंगा, एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊं, पहले ही माइनस ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मेरा काम आसान हो गया नहीं हो गया, माइनस यहां भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो। अब खुद देखो क्या बना, x माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, एक बार x माइनस टू जीरो के इक्वल, एक बार x प्लस टू जीरो के इक्वल, x की वैल्यू क्या आई बेटा टू, x की वैल्यू माइनस टू, फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस टू टू, सर्कल शेड या एम्प्टी, एम्प्टी, क्यों, इक्वल टू का साइन नहीं है, प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल, प्लस वाला माइनस वाला, सर माइनस वाला, क्यों, क्योंकि लेस देन का साइन है, तो क्या बनेगा मेरा डोमेन, माइनस टू से टू। एक बार 14 पार्ट खुद को ट्राई करो, चलिए देखते हैं आंसर आपका सही आया गलत आया। x माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सर क्यों आया, ध्यान से बात सुनना, रूट है, रूट, रूट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सर डिनोमिनेटर भी तो है, आपके दिमाग में आएगा सर डिनोमिनेटर भी तो है, फिर वहां इक्वल टू क्यों लगाया, बेटा एक बात सुनो, अगर रूट अकेला डिनोमिनेटर में होता तो नहीं मैं यूज कर सकता, फिलहाल रूट किस में है, पूरा ही फ्रैक्शन है, इसलिए इक्वल टू लगाऊंगा राइट। अब वेरी कब यूज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, लीनियर पावर, हाँ जी है, एक से ज्यादा है, हाँ जी है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, कोई भी एक साइन हो बिल्कुल है, तो वेवी कर्व तो कंफर्म। अब आगे चलने से पहले यहां जरा नोटिस करो, एक्स का कोफिशियंट क्या है, नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू अपॉन माइनस कॉमन क्या बनेगा, एक्स माइनस थ्री, अब माइनस उधर भेज देंगे, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। दोबारा पहले ये माइनस इधर आ जाएगा, सिर्फ माइनस भेजना, एक्स माइनस थ्री को ना भेजना, साइन चेंज, फिर एक्स माइनस टू को एक बार जीरो रखो, एक्स माइनस थ्री को एक बार जीरो रखो, एक्स की वैल्यू टू एक्स की वैल्यू थ्री। अभी एक पॉइंट आने वाला जो बताऊंगा आपको, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टू थ्री, टू पे सर्कल शेड होगा, हाँ सर होगा, सर इक्वल टू का साइन है, अच्छा कर दो बेटा जल्दी से, शाबाश, थ्री पे सर्कल शेड होगा, ज्यादातर बच्चे बोलने वाले हाँ सर, ना थ्री पे नहीं होगा, क्यों, क्या कभी डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, खुद बताओ, मैं यहाँ न्यूमिनेटर में तो टू ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू टू ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, टू माइनस थ्री खुद चेक करो, जीरो बाय माइनस वन, वैलिड है, वैलिड है, क्या डिनोमिनेटर में, क्या डिनोमिनेटर में जीरो आ सकते है, थ्री ले सकता हूं, खुद सोच के बताओ, वन बाय जीरो, ना, डिनोमिनेटर का सर्कल हमेशा एम्प्टी रहेगा, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का सर्कल हमेशा एम्प्टी रहेगा। अब प्लस माइनस प्लस, तो अब फाइनली डोमेन क्या आ गई मेरी, फाइनली डोमेन क्या हो गई इसकी,
कौन सा लूंगा लेस देन का है, तो क्या लेंगे टू से थ्री यानी माइनस वाला इंटरवल। टू कौन सा इंक्लूसिव, क्योंकि टू पे है क्लोज यानी सर्कल शेड, और थ्री एम्प्टी है ओपन इंटरवल, तो टू से थ्री। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूं आपको, अगला क्वेश्चन एनसीएट एग्जाम्पलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर्स में आता है। क्या करो बेटा, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, और फिर दोनों का कॉमन ले लेना। भाई जब बीच में प्लस है ना, जब दो अलग अलग टर्म्स है, तो इसका डोमेन और कॉमन वाला जो आएगा आंसर वो हम पिक करेंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए राइट नाउ। आइए बेटा, रूट में फोर माइनस एक्स कैसे होगा, रूट वाला पहले इसका डोमेन निकाल रहे हैं। फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओके फोर इधर भेजा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस से माइनस कटा, साइन स्विच, साइन फ्लिप हो गया, तो एक्स क्या हुआ लेस देन फोर। यानी अगर नंबर लाइन के थ्रू समझाऊं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अरे सर आप इक्वल्स टू भूल गए, हाँ जी बेटा मैं भूल गया, तो लेस देन फोर है, फोर से माइनस इन्फिनिटी ये बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से फोर। अब मैं इसकी बात करूंगा, अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना आंसर नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा है ये पोर्शन, आपको समझाने के लिए। हाँ जी, अब बात करेंगे इसकी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो मेरे को पता है रूट वाला क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट ये डिनोमिनेटर में इसलिए जीरो नहीं होगा। हाँ जी, फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ओके अच्छा एक सवाल का जवाब और दो, वेव कब यूज होगा, सर आपने रटा दिया, सर हो गया, हाँ जी बेटा बिल्कुल, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन। अब नंबर लाइन बनाओ, माइनस वन वन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सर्कल एम्प्टी या शेड एम्प्टी, प्लस माइनस प्लस, कौन सा पिक करेंगे ग्रेटर देन है तो प्लस वाले, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। अब फाइनल आंसर कैसे निकालना है ध्यान से समझना। अब फाइनल आंसर के लिए हमने दोनों का कॉमन एरिया पिक करना है, कैसे, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, नंबर लाइन बना लो, माइनस वन वन फोर, एम्प्टी एम्प्टी शेडेड, पहला क्या है माइनस इंफिनिटी से फोर, ओके तो माइनस इंफिनिटी से फोर एरिया आ जाएगा सारा। अच्छा फिर क्या है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और वन से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन से इंफिनिटी। बच्चों खुद देख के बताओ कौन से एरिया है जो दोनों कलर से शेड हो रहा है, सर ये वाला, यानी मेरा फाइनल डोमेन क्या बनेगा, मेरा डोमेन बना माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से फोर, फोर इज इंक्लूसिव। ये था डोमेन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वेवी कर्व और डोमेन क्लियर है तो बेटा मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको रेंज बहुत इजीली समझ आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखे, एंड अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।